पाटण शहेरना वादी सोसायटी पासे आवेल शौचालयोनी जग्या पर नगरपालिका द्वारा 3 वर्ष पूर्वे कांग्रेसना शासनकाळ दरमियान मुख्यमंत्री स्वर्णिम योजना अंतर्गत 15 लाखना खर्चे दुकानों बनावा मंजूरी आपवामां आवी हती। त्यारे आ दुकानों बनी गया ने 2 वर्ष थई गया होवा छतां अने सामान्य सभा ठराव पण करवामां आव्यो हतो अने सामान्य सभामां ठराव थया पछी गुजरात सरकारमां म्युनिसिपलनी कलम 65(2) हेठळ मंजूरी लई तेनी हराजी करवानी होय छे, परंतु पाटण नगरपालिकाना चीफ ऑफिसर छेल्ला 2 वर्षथी लोकोने उपयोगी दुकानों माटे कोई ज कार्यवाही करता नथी अने दुकानोनी हराजी थाय तेनी लई पालिकाना प्रमुख पण 2-3 वार गांधीनगर जई आवेल छे, परंतु वहीवटी मंजूरी चीफ ऑफिसर ने लेवानी होय छे, जेथी बांधकाम समितिना पूर्व चेयरमेन नरेश दवेए 15 लाखना खर्चे नगरपालिका द्वारा वादी सोसायटीमां बनावेली दुकानों खंडेर थई जाय ते पूर्वे मंजूरी लईने तेनी हराजी करवामां आवे तेवी चीफ ऑफिसर ने अपील करी हती अने जो तेम करवामां न आवे तो आ बनावेल दुकानों पड़ी खंडेर जशे अने तेनी जवाबदारी कोण लेशे ते विधक प्रश्नो पण कर्या हता। नगरपालिका द्वारा पाटण शहेरमां वादी सोसायटी पासे आजथी 3 वर्ष पहेला कोंग्रेस पक्षना शासनमां वादी सोसायटीना जूनी जग्या उपर दुकानों बनावानुं काम मुख्यमंत्री स्वर्णिम योजनामांथी अंदाजे 15-1 लाख रुपयानी अंदर दुकानों बनावानुं काम करे, जे काम मंजूर थई दुकानों बनी गई, दुकानों बनी गई आजे 1.5 वर्ष थई गया। नगरपालिकानी सामान्य सभाए ठराव पण करी नाख्यो छे, सामान्य सभाए ठराव कर्या पछी आ दुकानोनी त्यां गुजरात सरकारमां म्युनिसिपल कलम 65 हेठळ त्यांथी मंजूरी लाई अने हराजी करीने एनी हराजी करवानी छे। पण आ चीफ ऑफिसर साहेब छेल्લા 12 મહિનાથી આવ્યા છે, પરંતુ હજી સુધી આવી જે વિકાસના કામની વાતો છે અને જે આટલી મોટી નગરપાલિકાની લોકોને ઉપયોગી થાય એવી વસ્તુ છે એની કોઈ જ કાર્યવાહી કરતા નથી, અને પ્રમુખ સાહેબ પણ એના માટે ગાંધીનગર 2-3 વાર જઈ આવ્યા છે, પરંતુ આમાં જે વહીવટી મંજૂરીઓ લેવાની હોય છે એ ચીફ ઓફિસરશ્રીને લેવાની હોય છે। માટે બાંધકામ ચેરમેન તરીકે અમે ચીફ ઓફિસરને વિનંતી કરીએ કે આ જે 15 લાખ રૂપિયાની બનાવેલી દુકાનો ભંગાર થઈ જાય એ પહેલાં તાત્કાલિક એની મંજૂરી લઈને હરાજી કરવી જોઈએ, જેથી લોકોને ઉપયોગી થાય, નહીં તો આ રીતના દુકાનો પડી રહેશે અને ખંડેર થઈ જશે તેની જવાબદારી કોની છે।